अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एफएल व्लॉग ऑफिशियल। तो भाई आज आपका भाई जा रहा है हैदराबाद में, एक ऐसी चीज खुली है जो पहले नहीं थी और सब लोग इंतजार कर रहे थे कि वो शॉप कब खुलेगी। और कराची की और वैसे ही पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जूस बार है और फाइनली ओपनिंग है आज हैदराबाद में और हम भी जा रहे हैं वहीं पे। और शिराज साहब का भी जो है, जो उसको एक्सीडेंट हुआ था ईद के दिन, उसका भी एक्सरे हुआ है, तो वो भी चल के नीचे देखते हैं कि भाई क्या सिस्टम है। शिराज को अभी तक दर्द गया नहीं है, तो वो भी चल के देखते हैं कि एक्सरे सही आया है या नहीं आया। और जल्दी से फिर शिराज साहब को लेके जाते हैं उस न्यू जगह पे और वहाँ पे जो है जूस पिलाते हैं शिराज साहब को, ताकि उसका दर्द और सब खत्म हो जाए। तो चलते हैं। तो ये भाई शिराज साहब की एक्सरे रिपोर्ट है, ये देखें। शिराज पूछते हैं भाई क्या सिस्टम है, शिराज साहब क्या हो गया है, ऐसी चोट आ गई है क्या, क्या मसला हो गया? हाँ शिराज, क्या है ये? एक्सरे रिपोर्ट है। हाँ। किस चीज की? टांग की। तो क्या हुआ है टांग में? था टांग के टिश्यूज जो है वो फट गए। अच्छा। हाँ। तो अभी तक दर्द है? अरे छोड़ो यार, टांग वांग कटवा के दूसरी लगवाओ। तुम कटवा दो, दूसरी लगवाओ। नहीं, मेरे लिए ये सही है। ये सही हो जाएगी? हो जाएगी। ये एक्सरे रिपोर्ट सही है? हाँ ना। अच्छा चलो छोड़ो, ये तो होता रहेगा, तुम्हारा दर्द हम यूं कर ठीक करते हैं। हैदराबाद में जिस चीज का हम वेट कर रहे थे वो फाइनली आज उसकी ओपनिंग है। तो क्या प्रोग्राम है, चलना है? ग्रीनो। हाँ फाइनली आज उसकी ओपनिंग है, तो क्या प्रोग्राम है? बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था, हैदराबाद में भी आए, फाइनली आ गया। आप चल के देखते हैं क्या सीन। चलो चलो बस जल्दी से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, चलो चलते हैं। देख, दर्द सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। हाँ तो चलो तुम्हें ग्रीनो पिलाता हूँ जूस, ऐसा VIP जड़ी बूटियों वाला, दर्द खत्म तुम्हारा। देखते हैं। हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ। ये है ग्रीनो, फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद। अंदर जाते हैं इसके और अंदर से देखते हैं। ये अंदर से मेन्यू लेते हैं इनसे। ये मेन्यू है इसका। बादल साहब भी आया हमारे साथ। बादल ग्रीनो भी आयो? बादल को भी बहुत अच्छा लगता है ग्रीनो। बादल साहब क्या चाहिए जल्दी देखो, पहले भी इनका देखते हैं ना। गाड़ी में नहीं, इधर ही देखो ना, गाड़ी में चल के क्यों देखोगे? तेरा शोर आया यहाँ पे अभी। मैंगो समूथी। बादल साहब पियेंगे मैंगो समूथी और हम देखते हैं क्या करें, हम क्या पिए, हम क्या पिए। फूड ब्लेंड, हेल्थ ब्लेंड, टॉक्स। मैंगो समूथी और वो अगर ना हो तो प्योर जॉय, ऑल टाइम हाई, हेल्थी स्प्लैश, बेरी ब्लश। एक्सक्यूज मी भाई, ऑर्डर हमने डिसाइड कर लिया है, एक ऑल टाइम हाई, एक हेल्थी स्प्लैश। और एक हेल्दी स्प्लैश, ठीक है? और एक मैं पूछ के बता रहा हूँ गाड़ी में से। तो भैया पूछें तो सही, वाइफ बैठी है गाड़ी में के उसको कौन सा पीना है, हमने तो डिसाइड कर लिया। न्यू गाड़ी में मंगाया है, वाइफ से तो पूछे। इतना ऑर्डर तो दे दिया था और मुझे रेल सी बात उतर गई कि और भी कोई हमारे साथ आया, हम अकेले नहीं आए। तो मैंने बुलाया, हॉल करो, मैं पूछ के कंप्लीट ऑर्डर बताता हूँ आपको। मतलब मोस्ट फेमस मैं कह सकता हूँ जूस बार और मोस्ट अवेटेड हैदराबाद में, पहले नहीं था और काफ़ी लोग लाइक करते हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, लेकिन कराची में था, सबसे करीब तरीन हाईवे पे था कराची के, वो भी हैदराबाद में नहीं था। तो फाइनली इसकी ओपनिंग हो गई है हैदराबाद में और हम भी आए। खुशी भी होती है कि यार
चीज़ें आएँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में तकरीबन चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी एक दो चीज़ें हैं जिनकी कमी थी जो कि अब आ रही हैं और आनी भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे भी लोग काफ़ी लाइक करते हैं और फिर यहाँ से ट्रेवल करके जाते हैं कराची। तो खैर जो भी हो, ग्रीनो फाइनली हैदराबाद में आ गया है और हम भी आ गए ग्रीनो के पास, ऑर्डर दे दिया है और टैक्स वगैरह भी लगाते हैं ये लोग भी। वैसे ये गलत बात है टैक्स लगाने वाली नहीं, असल में टैक्स भले लगाएं लेकिन प्राइस में प्राइस के अंदर इंक्लूड रखें, ये हमेशा से हम बोलते हैं। भले भाई 1000 रुपये टैक्स लो 200 की चीज़ पे, लेकिन आप पहले से ही बता दो मेन्यू में ही कि भाई इंक्लूडिंग टैक्स इतना है और ये फाइनल प्राइस है। ये जो हिडन चार्जेस या हिडन टैक्स होते हैं ना, ये अजीब ही लगते हैं। और तो खैर अब हमने ऑर्डर दे दिया और रश बहुत है क्योंकि जाहिर सी बात है ओपनिंग हुई है और जिनको भी पता चला है जो भी ग्रीनो लवर हैं सब आए यहाँ पे। अब देखते हैं कितनी देर लगती है हमें, तकरीबन 15 मिनट तो हो गए मुझे ऑर्डर दिए हुए इनको। ये मार्ट भी है यहाँ का, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छा मार्ट है। थोड़ा गला मेरा ख़राब हो रहा है लेकिन फिर भी ग्रीनो ट्राई करने आए हम, देखें आपके लिए। तो बादल साहब को भी लेना है कुछ, मैंने बोला यहीं से ले लो यार जल्दी से, एक ही उसमें हो जाएगा। एक चीज़ मुझे सिर्फ देखनी है वो ये कि मार्ट वाले ना अक्सर ज़्यादा प्राइस लेते हैं, जो प्राइस होती है उससे 10-20 रुपये ज़्यादा। तो ये देखते हैं ये मार्ट ज़्यादा लेता है या नहीं लेता। जल्दी जल्दी करो, रखो सबर, जरा सबर करो, रखो सबर ही तो नहीं है बादल। चलो तो मुझे जाने दो, तुम भले नहीं करो जल्दी। क्या लेना है तुम्हें और यार, गेटोरेट भी पड़ी हुई है यहाँ पे। तो क्या हुआ बादल, कोई और ले लो ना बोतल वाले, ये रहा जल्दी करो बादल, सारी इसकी कूलिंग ही निकल जाएगी। केक भी इधर ही होंगे कहीं पे, अरे पेम्पर भी हैं। क्यों परेशान होते हैं बादल, तो ये आइसक्रीम भी लेनी है हमें। जूस तो अभी तक हमारे आए नहीं, पता नहीं क्या सिस्टम है। आ गया हमारा जूस और इसको हम ऑफ कोर्स पियेंगे, उसके बाद जो है फिर हम जाएंगे घर। और मार्ट वाले ने एज यूजुअल ज़्यादा पैसे लिए, कोई कोई मार्ट कम पैसे लेता है और लेने भी चाहिए। कम तो नहीं मतलब जितनी की चीज़ है उतने की लो, ज़्यादा क्यों ले रहे हो बिला वजह में। हाँ कोई हाईवे पे अगर मार्ट होता है आउटसाइड सिटी तो उस पर ज़्यादा लेते हैं। क्यों ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो वो बनता है ज़्यादा लेना उनका 10-20 रुपये। ये सिटी के अंदर है और बिला वजह में बस पता नहीं क्या ये चीज़, अजीब लोग हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं। खैर हम अपना जूस इंजॉय करते हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यार ग्रीन हैदराबाद में आ गया यार, वाह। वाह बादल कैसा है तुम्हारा, सही है मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। नहीं लगा तो छोड़ दो फिर मैं पी लूंगा। अच्छा ऐसा भी नहीं है। हाँ जल्दी जल्दी पियो। ठीक है मुझे भी खास नहीं लगा पर पीते हैं। ये देखो रश कितनी है और गाड़ियां आती हैं यहाँ पे, सभी गाड़ियां आके यहाँ पे रुकती हैं, सारी जितनी भी आपको दिख रही हैं। ये पेट्रोल भरवाने नहीं आ रहे, ये ग्रीनो के चक्कर में आ रहे हैं लोग। अब हम आए फखरी पे आइसक्रीम लेने, जो घर में बाकी के लोग हैं उनके लिए भी तो कुछ लेना है ना यार, ये मसला है ना थोड़ा। वो बोलेंगे ऐसे कैसे आ रहे तुम लोग खुद करके। अब मेन्यू दो, मैंगो कुल्फी नहीं है सर, मैंगो कुल्फी नहीं है, नहीं आइसक्रीम है, आइसक्रीम है जी, कुल्फी कोई भी नहीं है, कुल्फी है, करंट कुल्फी है, रोस्टेड आलमंड है, जाफरान बादाम है, पिस्ता है। दो करंट कुल्फी ठीक है सर पार्सल है इधर। ये अच्छा काम किया, पहले कोई भी नहीं होता था, उतर के जाना पड़ता था, अब भाई बच्चा उन्होंने खड़ा कर दिया लड़का। घर आ गए और जूस का मैं आपको क्या बताऊं, जैसा होता है वैसा ही है बिल्कुल। और बस प्राइस इसकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है हमेशा की तरह, वो तो एक ब्रांड है उसकी है। तो ये था आज का रिव्यू और ये थी आज की वीडियो। हैदराबाद में न्यू ओपनिंग हुई है इसकी, इस वजह से रश बहुत लगा हुआ है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, बस एक ऐसे ही मार्ट पे इन्होंने खुला हुआ, तकरीबन ऐसे ही है काफ़ी जगहों पे। तो यहाँ पे भी जैसे भी है बस सही है, ये आया तो सही ना बस। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो भाई
सब्सक्राइब तो कर देना, ऐसे वीडियो बंद नहीं किया करें, जाते जाते सब्सक्राइब कर दें, तो ऐसी वीडियोस में और भी आपके लिए लाता रहूँगा, इंटरटेनिंग या कोई भी चीज़ न्यू आएगी वो आपके लिए आपका भाई लेके हाजिर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।